welcome our viewers this time once again here. जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखे हैं उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन रखा है एक तो पत्रकार हूँ बिजनेस वूमन कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेंड हमारी शक्ति थोड़ा सा मैं जो अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पिछले वीडियोज का दे दूँ जिसमें हमने मेडिटेशन के थ्रू अपनी पर्सनल ग्रोथ पे स्टेप शुरू किया जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है नो योर ओन सेल्फ Understanding of your own self. अपने आप को जानना सबसे जरूरी है और अभी हम अपनी उसी जो है इंट्रोडक्शन टू योर ओन सेल्फ या नोइंग योर ओन सेल्फ के स्टेप्स का जो है वो सॉरी मैं थोड़े से आवाज का इश्यू है लेके चल रहे हैं तो फर्स्ट में हमने मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को रिलैक्स करना सीखा था फिर हमने अपने वांट्स और गॉड वांट्स को देखा था फिर हमने उसके मेडिटेशन के थ्रू हमने अपने सॉर्ट आउट किए थे कि हमारे रियल वांट्स कौन से हैं और गॉड वांट्स कौन से हैं इसके बाद हमने अपने मेडिटेशन के थ्रू अपनी मेंटल ग्रोथ पे वर्क किया था फिर इसके बाद हमने अपनी फेयर लिस्ट डेवलप की थी और उसमें हमने सॉर्ट आउट किया था कि अगर ये रियल फेयर है आज हमारा उससे नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमने अपने फियर्स को देखना है कि हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं उन खौफ से हम निकल कर सकते हैं तो हमने अपने जो फियर लिस्ट क्रिएट की थी वो अपने पास रखी है हम अभी मेडिटेशन का तरीका करेंगे हम मेडिटेशन करेंगे हमारे मेडिटेशन अगर आप पहले दफा देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अगेन आपको बता देती हूँ हमारा बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमने अपने आपको किसी ऐसे मकाम पर जाना है घर के किसी ऐसे पोर्शन में बैठना है लॉन के किसी ऐसे हिस्से में बैठना है जहाँ सुकून होगा और जहाँ आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी उसमें आप जो है अपनी बॉडी को रिलैक्स इस तरीके से बैठना है कि आपकी बॉडी फुल रिलैक्स हो आपको कई किस्म का स्ट्रेस नहीं हो आपके मसल्स रिलैक्स हो आप कोई प्रेशर ना फील करें अपनी सोचों को सिर्फ उस जगह पे अपनी इर्द गिर्द माना कि मैं बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं जो करने लगा मुझे रब देख रहा है मेरे रब के फरिश्ते देख रहे हैं मेडिटेशन करनी है डीप ब्रीथ के तरीके में करते हुए जब हम इनहेल करेंगे सांस को तो हमने अल्लाह का पुकारना है और दूसरे रिलीजन के लोग अपनी कोई भी वेद अपना कोई भी अस्कार कॉल कर सकते हैं और जब हम एक्सहेल करेंगे तो खूब करना है और उसको करते हुए हमने महसूस करना है कि खुदा और उसके फरिश्ते हमें देख रहे हैं हम उसके सामने मौजूद हैं और हमारे चारों तरफ नूर है ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने दिल को अल्लाह का नाम पुकारते हुए महसूस करेंगे तो आपके अंदर सुकून खुद ब खुद उतरता आएगा और कंसंट्रेशन काम हो जाएगा मेडिटेशन करनी है अपने 5 मिनट्स के लिए और उसके बाद हम जब हमने मेडिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है तो हमने बहुत आराम से अपनी आंखें खोलते हुए अपनी लिस्ट को सामने रखना है जो हमारी प्रेयर लिस्ट है हमने उसको रीड आउट करना है लाउडली तो हम अपनी उस लिस्ट को रीड आउट करेंगे लाउडली तो साथ अपने आप से क्वेश्चन करते जाएंगे इज इट रियल फेयर और नॉट ये आपने 2 कॉलम्स ऐड करेंगे अपने साथ आपने एक्स्ट्रा 3 कॉलम्स इस लिस्ट में ऐड करने हैं जिसमें 2 कॉलम पहले यस और नो कहेंगे कि ये रियल और नॉट रियल का होगा और थर्ड का मैं आपको बात करूंगा अपने ये सारे सॉर्ट आउट कर लेने हैं कि आया ये जो फेयर्स हैं वो रियल है या नहीं आप उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो ये होगा कि आप अपने जो अपने रियल फेयर्स को नोट आउट किया है जो पॉइंट आउट किया है उसमें देखेंगे कि आया ये सॉल्वेबल है कि नहीं सेल्फ इम्पोज है या रियल फेयर है जब आप इनको सॉर्ट आउट करेंगे सिंपल सा एक जैसे हमारे कॉमन हमारी सोसाइटी में है जो हमारे हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसमें हमारे बहुत कॉमन सा है ये फेयर जो हर एक इंसान के साथ हर एक इंसान फेस करता है और कुछ है जो इनसे निकल आते हैं कुछ है सारी जिंदगी सीखे वो है लोग क्या कहेंगे ठीक है तो इस तरह के फेयर ये सॉल्वेबल है कि नहीं पर्सन मेरा पर्सन है कि लोग कहते हैं ये सॉल्वेबल है कि नहीं तो मेरा आपको सिंपल सा आंसर है कि ये सॉल्वेबल तो आपने
इस तरह अपनी एक जो लिस्ट को देखते जाना है और अपने पेयर्स को पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि आया ये सॉल्वेबल है या नहीं. इसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे, आपने देखना कि आपके ये पेयर सॉल्वेबल है नहीं सॉल्वेबल, आपने इसको सॉल्व. इसके जब हम ये टू टाइम्स करेंगे मेडिटेशन और फिर रिपीट करेंगे अपनी लिस्ट पर, बताना पड़ेंगे हम ये सॉल्वेबल है नहीं सॉल्वेबल, तो आपको आपकी जो फेयर्स की लिस्ट है वो एक तो शॉर्ट भी आती जाएगी और आपके सामने उसके सोल्यूशन भी आते रहेंगे कि इसके सोल्यूशन कैसे थे. यहाँ तक था हमारी आज की वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्द ही आपके सामने होंगे. आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई चीज अपना नॉलेज शेयर करना चाहे, मोस्ट वेलकम. और जो आपके फीडबैक के लिए, आपके गाइडलाइन के लिए आई एम हियर. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.